सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना लेक्चर रहने वाला है वाटर वेस्कुलर सिस्टम में इकाइनोडर्मेट्स कि इकाइनोडर्मेट्स के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, और यह अपन बात करें कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश दोनों एक ही चीज है। तो आज मैं आपको ये चीज बता दूं, चाहे आप बोर्ड लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज लेवल में हो, या आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए आज वाला टॉपिक है, आज वाला जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपन कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ना, इसको आपको एक नाम से और कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, वो पूछ सकता है आपको एम्यूलेटरल सिस्टम क्या होता है। एम्यूलेटरल सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए या चाहे वाटर वेस्कुलर सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए, दोनों एक ही चीज है। आपको डायरेक्ट वाटर वेस्कुलर सिस्टम दिया हुआ तो भी आपको यही चीज जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए यहां पे मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, इसके नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां सिर्फ आप समझ लीजिए, एकदम डायग्राम को भी अच्छे से समझेंगे और डायग्राम के थ्रू ही अपन हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चाहे वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपसे पूछ लिया जाए, या वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में पूछ लिया जाए, या वाटर वेस्कुलर सिस्टम स्टारफिश में पूछ लिया जाए, या एम्यूलेटर सिस्टम पूछ लिया जाए, आपको कुल मिला के बात है आज मैं जो पढ़ा रहा हूं यही आपको एग्जाम में करके आना, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने की संभावना रहने वाली है। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम में आखिरकार क्या चीज अपन को। तो देखिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ना जो इकाइनोडर्मेट्स में है ना, स्टारफिश में, इसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इसी के थ्रू लोकोमोशन कर सकते हैं, इसी के थ्रू एक्सक्रेशन कर सकते हैं, सारा का सारा जो काम भोजन खाना, मतलब खाने से लेकर निकालने तक का सारा जो काम होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही होता है, चाहे वो स्टारफिश हो या इकाइनोडर्मेट्स के अंदर। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो जहां से स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इनका मेडिपोराइट। क्या होता है मेडिपोराइट? तो देखिए, मेडिपोराइट की स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं, उसके बाद में क्या आ रहा है, स्टोन केनाल आ रहा है, रिंग केनाल आ रहा है, टेडमंस बॉडीज आ रहा है, पोलन वेसल्स आ रहा है, लेटरल केनाल, रेडियल केनाल, ट्यूब फिट, इन सबको वन बाय वन अपन पढ़ेंगे और इन सबके फंक्शन देखेंगे कि इन सब का क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से जो स्टारफिश है वो कैसे फूड को लेती है, किस तरह से इनमें एक्सक्रेशन होता है, कैसे रिस्पायरेशन होता है, सबको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मेडिपोराइट का क्या फंक्शन रहने वाला है। तो मेडिपोराइट की जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये एक झिल्ली के जैसी होती है। कैसी होती है? छलनी होती है ना, वैसी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है मेडिपोराइट की। देख रहे हैं आप, ये एक छलनी जैसे, जैसे आटा छानने की जो छलनी आती है ना, वैसी क्या होती है, मेडिपोराइट होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये छलनी जैसी क्या है कि स्ट्रक्चर होती है, और ये राउंडेड होती है, और किसकी बनी होती है, कैल्शियम प्लेट। ये जो प्लेट देख रहे हैं ये प्लेट किसकी है भाई, कैल्शियम की है, राउंडेड है और इसकी प्लेट कैसी है, कैल्शियम की है। और कहां पर प्रेजेंट रहती है, ये ओरल, मतलब जो स्टारफिश इकाइनोडर्मेट्स है इसकी ओरल सर्फेस के ऊपर क्या है भाई, ये प्रेजेंट रहती है। दैट्स क्लियर, मेडिपोराइट का पता चल गया। अब जो मेडिपोराइट होते हैं ना, इसके अंदर पोर्स होते हैं ना, छिद्र क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सीधी सी बात है, आता चलने वाली छानी छलनी अपन ने इसको बोला है तो इसमें पोर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो टोटल जो पोर्स की संख्या हो सकती है, ये आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट में आ सकता है यदि आप कॉलेज एग्जाम में हो तो, एक नंबर में कि कितनी होती है। तो ये होती है 200 से लेकर 250 तक क्या होती है, इसमें छलनी होती है। तो आपको देखिए, डायरेक्ट एक नंबर के क्वेश्चन में भी इनके नाम हो सकते हैं, मेडिपोराइट का क्या फंक्शन होता है, स्टोन केनाल का क्या होता है, रिंग केनाल का फंक्शन क्या है, टेडमन बॉडीज का क्या फंक्शन है, लेटरल केनाल का, ट्यूब फिट का, इन सबका एक एक नंबर में भी आपको पूछ लिया जाता है कि इनका फंक्शन क्या है, तो वो भी आज अपन इस लेक्चर में देख लेंगे। तो देखिए, अब जो पोर्स है ना, टोटल कितने पोर्स हैं मेडिपोराइट के अंदर, 200 से लेकर 250 है। अब ये जो पोर्स होते हैं ना, ये किससे सराउंडेड रहते हैं, ये सीलिया से क्या रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं जो पोर्स होते हैं। और जो सीलिया होता है ना, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सीलिया क्या करता है कि कोई भी जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसको मेडिपोराइट के अंदर इंटर नहीं करने देता है, प्रवेश नहीं करने देता है। तो सीलिया का काम क्या होगा यहां पे, कि कोई भी वेस्ट मटेरियल होगा, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होगा, उसको मेडिपोराइट के अंदर क्या होगा, इंटर नहीं होने देगा। अब बात कर लेते हैं स्टोन केनाल की। तो देखिए, डायग्राम में देखने से पता चल रहा है कि स्टोन केनाल, ऐसे स्टोन, तो स्टोन केनाल कैसी होती है, ऐसी होती है। अब देखिए, मैं यहां आपको कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन आप इनको एकदम अच्छे डिटेल में लिख सकते हो। मेडिपोराइट के बारे में पूछ ले तो मेडिपोराइट किससे अटैचमेंट रहती है, स्टोन केनाल से रहती है, रिंग केनाल से रहती है, टेडमन बॉडी से अटैचमेंट रहती है। तो इन सबको आप क्या है कि लिखने में आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, लेकिन यदि अपन डायग्राम को समझ लेंगे, उनके फंक्शन समझ लेंगे ना, तो चाहे आप 4, 5, 6 पेज कितना भी लिख सकते हो।
तो स्टोन कैनाल की बात करें तो इसकी शेप कैसी होती है, एस शेप होती है, नाम से ही पता चल रहा है स्टोन तो एस भी, और देखने में भी पता चल रहा है कैसी है ये एस शेप, इसकी स्ट्रक्चर होती है। और ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की, किसकी बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसके यदि फंक्शन की बात करें कि स्टोन कैनाल का काम क्या होता है, तो ये वॉटर में जो करंट होता है उसको कंट्रोल करता है, वॉटर का जो फ्लो होता है उसको क्या करता है, करंट वॉटर करंट को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है स्टोन केनाल। इसी के थ्रू मेडिपोराइट के थ्रू वॉटर जाएगा और स्टोन केनाल होगी, ये क्या करेगा वॉटर का जो करंट होगा उसको क्या करेगा कंट्रोल करने का काम करता है कि कितना करंट किस फ्लो से क्या है वॉटर आगे जाना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं रिंग केनाल की। तो आप देखिए स्टोन केनाल में यूवी लिख सकते हैं मोडीपेराइट से अटैच होती है एंड रिंग केनाल के दोनों के बीच में क्या होती है ये स्टोन केनाल प्रेजेंट रहती है। तो बात करें रिंग केनाल की, तो रिंग केनाल कैसी है, देखने में रिंग जैसी है, और ये क्या होता है इसको पेंटागोनल केनाल भी बोला जाता है। क्यों, देखिए इसके ऊपर पांच पेंटागोनल स्ट्रक्चर दिख रही होगी, एक दो तीन चार पांच, क्या है पांच पेंटागोनल स्ट्रक्चर, इसलिए इसको क्या बोल दिया पेंटागोनल केनाल भी बोल सकते हैं कि इसको रिंग केनाल को, दैट्स क्लियर। अब बात कर लेते हैं टेडमंस बॉडीज क्या होती है। देखिए टेडमंस बॉडीज होती है ना, देखने में कहां प्रेजेंट है ये, मिडल में प्रेजेंट है रिंग केनाल, एक लेयर के रूप में प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है रिंग केनाल के मिडल के अंदर क्या है लेयर के रूप में प्रेजेंट है। और इसमें एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ येलो कलर की क्या होती है सर्कुलर स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं टिडमन बॉडीज बोलते हैं। दैट्स क्लियर, साइंटिस्ट ने खोजा था इसी नाम पे इसको क्या दे दिया है टिडमन बॉडीज दे दिया गया है। तो टोटल कितनी है 9 कलर की येलो स्ट्रक्चर होती है। अब अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका फंक्शन है वो भी अलग अलग बताया है टिडमन बॉडीज का, क्या फंक्शन बताया, किसी ने बोल दिया कि ये जो टिडमन बॉडीज होती है ना ये स्टारफिश के अंदर क्या करती है वॉटर को फिल्टर करने का काम करती है, किसका वॉटर को फिल्टर करने का काम करती है। तो किसी साइंटिस्ट ने बता दिया कि ये क्या करती है किसी एंजाइम को सिक्रेट करने का काम भी करती है। तो अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार इसकी अलग अलग अवधारणाएं अलग अलग थ्योरीज है कि इसका फंक्शन क्या है। तो टिडमन बॉडीज क्या होती है, कहां प्रेजेंट रहती है, ये रिंग केनाल के बीच में प्रेजेंट रहती है। टोटल 9 येलो कलर की क्या होती है सर्कुलर इनकी स्ट्रक्चर हो रहने वाली है, होती है। फिर बात कर लेते हैं पोलन वेसल्स की। तो पोलन वेसल्स होते हैं ना ये अटैच रहती है, किससे अटैच रहती है ये रिंग केनाल से। देखिए पोलन वेसल्स देख रहे हैं किससे अटैच है भाई रिंग केनाल, क्योंकि यही तो रिंग केनाल थी। रिंग केनाल के अंदर तो क्या प्रेजेंट है टिडमन बॉडीज प्रेजेंट है और बाहर की साइड क्या प्रेजेंट है पोलन वेसल्स है। तो ऐसे आप इनको लिख भी सकते हो कि चाहे आपको बस डायग्राम को समझ लीजिए फिर आप आगे पीछे घुमा के लिखने में थ्योरी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अपन एग्जैक्ट पॉइंट लिख के आते हैं ना कि जितना पूछा है उतना ही लिखे हैं एग्जैक्ट लिख के आते हैं, तो अपन को नंबर पूरे में से पूरे मिलने के क्या रहती है चांस रहती है और टॉपिक भी क्लियर हो जाता है, ताकि अगर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम भी दे तो उसके अंदर भी आपको अपन को क्या रहता है पता रहता है। तो देखिए पोलन वेसल्स होती है ना, अब जो पोलियन वेसल्स है अब ये क्या करती है पोलियन वेसल्स है ये क्या है जो रिंग केनाल है ना रिंग केनाल के अंदर ही क्या रहती है अटैच रहती है रिंग केनाल से, और पियर शेप की जैसी क्या होती है इसकी पियर शेप क्या होती है नाशपत्ती आपने देखी होगी वैसी क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। और ये उसकी वॉल क्या होती है बहुत ही थिन होती है, वॉल ही पतली होती है, और साथ में कितनी प्रेजेंट होती है जो पोलन वेसल्स होती है ना एक से लेकर टोटल चार तक क्या हो सकती है नंबर में प्रेजेंट रह सकती है ईच जो स्टारफिश होती है उसके अंदर देखने को मिल सकती है आपको कितनी एक से लेकर चार तक। अब इसके फंक्शन की बात करें पोलन वेसल्स की, इसका फंक्शन क्या होता है ये वॉटर को प्रेशर को कंट्रोल करता है। मान लीजिए वॉटर ज्यादा अमाउंट के अंदर स्टारफिश के अंदर आ चुका है, अब ज्यादा आ गया है तो उसको क्या करना है कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के लिए ये क्या होती है एक तरह से वेसल्स ही तो है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है वॉटर क्या हो जाता है अंदर जाके फिल हो जाता है, ताकि अंदर क्या हो वॉटर का जो प्रेशर है वो क्या हो सके अंदर कंट्रोल हो सके। तो इनका रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या करती है वॉटर प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। साथ में ही अब वॉटर प्रेशर को कंट्रोल कर रही है इसका मतलब एक्स्ट्रा वॉटर को भी क्या करिए स्टोर करने का काम करती है, साथ में ही क्या करता है एक्स्ट्रा वॉटर को स्टोर करने का काम भी पोलियन वेसल्स के द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं रेडियल केनाल कि रेडियल केनाल का क्या काम रहता है। तो रेडियल केनाल क्या है पांच ब्रांच और 5 ब्रांच है, किसकी रिंग केनाल की 5 ब्रांच है। देखिए 1 2 3 4 5 रिंग केनाल है, इसकी टोटल जो 5 ब्रांच है इनको क्या बोल देते हैं रेडियल केनाल अपन बोल देते हैं। इसका फंक्शन क्या करता है ये वॉटर को सप्लाई करता है किसमें ट्यूब फिट में, क्योंकि अब देखिए रेडियल केनाल के बारे में लिखना हो तो रेडियल केनाल किससे अटैच है भाई किससे अटैच रहती है रिंग केनाल से अटैच रहती है, साथ में जो लेटरल केनाल है इससे भी अटैच है, और रिंग रेडियल केनाल से क्या अटैच रहती है आपकी ट्यूब फिट भी किससे कनेक्ट रहती है रेडियल केनाल से रहती है। ये क्या है आपकी ये वाली स्ट्रक्चर क्या है आपकी ट्यूब फिट है जिसको अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका फंक्शन क्या रहता है लेटरल जो रेडियल केनाल का फंक्शन क्या रहता है वॉटर सप्लाई करती है
ट्यू फिट के अंदर वाटर को क्या करती है, सप्लाई करने का काम करती है रेडियल केनाल। अब बात कर लेते हैं लेटरल केनाल की, तो लेटरल केनाल क्या रहती है, ये प्रेजेंट रहती है जितने भी रेडियल केनाल्स है उनसे, क्या उनसे अटैच रहती है, क्या रहती है, प्रेजेंट ईच रेडियल केनाल, हर रेडियल केनाल के अंदर क्या रहती है, लेटरल केनाल प्रेजेंट रहती है। अब आप ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन क्या है, आपकी लेटरल केनाल है, सबके अंदर देख रहे हैं, ये क्या है आपकी लेटरल केनाल होगी। अब लेटरल केनाल को क्या बोलते हैं, पोडियल केनाल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पोडियल केनाल भी बोला जाता है, और इसका फंक्शन भी क्या हो गया, ये वाटर को सप्लाई करने का काम करती है ट्यूब फीट के अंदर, भाई रेडियल केनाल मतलब रेडियल केनाल के थ्रू कहती है जो लेटरल केनाल होगी। अब अपन बात कर लेते हैं ट्यूब फीट की, तो ट्यूब फीट का क्या काम रहने वाला, ट्यूब फीट अटैच रहती है किससे, रेडियल केनाल एंड लेटरल केनाल से। ये क्या है, ट्यूब फिट है, तो ये क्या है, रेडियल केनाल से भी अटैच है और साथ में लेटरल केनाल से भी क्या रहती है, अटैच रहती है। और इसके कितने ट्यूब फिट के टोटल कितने पार्ट है, तीन पार्ट है। ऊपर वाला आप देख रहे हैं, तो ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया, इसको बोलते हैं एम्पुला। और जो बीच वाला जो ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को अपन क्या बोल देते हैं, पोडियम। इस लाइन को क्या बोल देते हैं, पोडियम। और ये नीचे वाला क्या हो गया, इसको क्या बोल देते हैं, सकस। यदि देखिए समझ में नहीं आया तो देखिए ये डायग्राम ऐसा था, ये क्या है आपकी लेटरल केनाल, आगे रेडियल केनाल है, लेटरल केनाल है। तो अब आगे देखिए आप, इस तरह की जो इसमें स्ट्रक्चर रहेगी, ये वाली जो स्ट्रक्चर रहेगी, इसको तो अपन क्या बोल देंगे, पोडियम बोल देंगे, इसको तो क्या बोल देंगे, पोडियम, इसको पोडियम बोल दिया। और अब ये यहां से निकल के आ गए, ये क्या आ गया आपका, एम्पुला आ गया। और ये जो नीचे की साइड में अब जो इस होल बच गया है, छिद्र बच गए, इनको क्या बोल देते हैं, सकस बोल देते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है किसकी, ट्यूब फिट के अंदर, जो तीन पार्ट प्रेजेंट होते हैं ट्यूब फिट के अंदर, एक तो हो गया एम्पुला, पोडियम एंड सकस, ये इनका फंक्शन रहने वाला है ट्यूब फिट का भी। अब अपन देख लेते हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का क्या फंक्शन रहता है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन की तरह ही काम करता है, ये एक तरह से हाइड्रोलिक जो प्रेशर मशीन होती है उसी की तरह वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी काम करता है। इसके साथ में क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प रहता है, रेस्पायरेशन के अंदर रहता है, एक्सक्रेशन में रहता है, बॉडी अटैचमेंट किसी भी सतह पे अटैच होना है उसके लिए रहता है, जरूरी रहता है, और जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरत है, किसी भी फूड को कैच करना हो तो उसके लिए भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम का जो फंक्शन रहता है वो रहता है। अब देखिए जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम अपन ने देखा, इसके अंदर मेन यदि अपन रोल देखें तो देखिए वाटर किस तरह से आगे की तरफ फ्लो करता है उसकी अपन देखें, तो सबसे पहले वाटर किसके पास जाएगा, सबसे पहले आपका वाटर जाएगा मेडीपुराइटी के थ्रू, मेडीपुराइटी में वाटर आएगा, और मेडीपुराइटी से कहां जाएगा, स्टोन केनाल के पास में जाएगा। यदि आपसे सीक्वेंस पूछ ली जाए एग्जाम के अंदर, तो सीक्वेंस क्या गई, मेडीपुराइटी, मेडीपुराइटी से स्टोन केनाल, स्टोन केनाल से कहां जाएगा रिंग केनाल की ओर, और रिंग केनाल से आपका कहां जाएगा रेडियल केनाल की ओर, रिंग केनाल से कहां जाएगा रेडियल केनाल की ओर, सीक्वेंस पूछ लेंगे उसी टाइम की बता रहा हूं, कहां जाएगा रेडियल केनाल, रेडियल क्योंकि देखिए रिंग केनाल से ही अंदर होता हुआ कहां जा रहा है रेडियल केनाल में, और रेडियल केनाल से कहां जाएगा आपका लेटरल केनाल के अंदर, किसमें जाएगा लेटरल केनाल के अंदर, और लेटरल केनाल से आपका कहां जाएगा ट्यूब फिट के अंदर वाटर फ्लो होगा। तो वाटर फ्लो की सीक्वेंस पूछ ली जाए तो मेडीपोराइटी, स्टोन केनाल, उसके बाद में रिंग केनाल, उसके बाद में लेटरल केनाल, सॉरी रिंग केनाल, रिंग केनाल, रिंग केनाल के बाद रेडियल केनाल, रेडियल केनाल के बाद लेटरल केनाल, और उसके बाद में क्या आ गया ट्यूब फिट। ये सीक्वेंस रहती है किसकी, वाटर फ्लो होने की, किसमें, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टार फिश के अंदर। टोटल कितने हो गए, टोटल आठ इसके अंदर पॉइंट रहने वाले हैं। आठ कौन कौन से हो गए, देखिए मेडीपोराइटी हो गया, स्टोन केनाल आ गया, रिंग केनाल आ गया, टिडमेंट्स बॉडी आ गया, पोलन वेसल्स आ गया, रेडियल केनाल आ गया, लेटरल केनाल आ गया, एंड ट्यूब फिट आ गया। तो ये थी एक छोटा सा लेक्चर वाटर वेस्कुलर सिस्टम के ऊपर, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, के नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उनको डाउनलोड है वो टेलीग्राम से कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, थैंक यू। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, थैंक यू।